वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है, इट्स अ पीरियड फिल्म, 1952 टू 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग, और मिस्टर अजय देवगन इज प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम। फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों खेल पर आधारित फिल्मों को बनाने के लिए फिल्म मेकर्स का रुझान बढ़ गया है, साथ ही आने वाले समय में कई बायोपिक फिल्में रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की चक दे इंडिया के बाद अब अजय देवगन भी स्पोर्ट्स कोच की भूमिका निभाते दिखेंगे। बधाई हो कि निर्देशक अमित शर्मा के निर्देशन में फुटबॉल के खेल पर फिल्म बनने जा रही है, जिसका टाइटल मैदान रखा गया है, और मैदान में मुख्य भूमिका अजय देवगन निभाने वाले हैं। और लोगों में इस फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए मैदान के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है, जहां फुटबॉल को ग्लोब की तरह दिखाया गया है और लिखा गया है द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल 1952 टू 1962। फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाएंगे, जहां साल 1952 से 1962 तक भारत फुटबॉल के सुनहरे इतिहास को दिखाया जाएगा, क्योंकि सैयद अब्दुल रहीम के नेतृत्व में ही भारतीय फुटबॉल टीम 1956 के ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी। वहीं अमित शर्मा की फिल्म मैदान में एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश फीमेल लीड के रोल में दिखेंगी। मैदान फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसे साल 2020 तक रिलीज की जाएगी। अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है, इट्स अ पीरियड फिल्म, 1952 टू 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग, और मिस्टर अजय देवगन इज प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम पार्ट। मिस्टर सईद अब्दुल रहीम वाज आवर इंडियन कोच एट दैट टाइम, फुटबॉल कोच थे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।